नमस्कार, मैं शशिकांत राठौर, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट नवीन कॉलेज बलौदा। आज मैं आप लोगों को बीएससी फाइनल ईयर के पेपर सेकंड का यूनिट फर्स्ट का क्लासिकल थ्योरी या क्लासिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पेसिफिकेट ऑफ सॉलिड समझाने का प्रयास करूंगा। इसे हम ड्यूलॉन्ग पेटिट्स लॉ भी कहते हैं। ड्यूलॉन्ग पेटिट्स लॉ में हम इससे पहले वीडियो में हमने जो स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड पढ़ा है उस ग्राफ को हमने देखा था कि किस प्रकार से अलग अलग ठोसों का अलग अलग तापमान पर विशिष्ट ऊष्मा में परिवर्तन होता है। उसको हमने ग्राफ के माध्यम से देखा था। उसी ग्राफ को हम अब जो है विभिन्न थ्योरी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले हम क्लासिकल थ्योरी को लेकर चलते हैं, जिसे हम ड्यूलॉन्ग पेटिट्स लॉ भी कहते हैं। ड्यूलॉन्ग पेटिट्स लॉ में कुछ अभिकल्पनाएं हैं, कुछ परिकल्पनाएं हैं, उसको हम पहले कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम पहले मान लेते हैं, उसके बाद ही हम एक थ्योरेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, एक सैद्धांतिक गणना करते हैं किसी ठोस के परमाणविक विशिष्ट ऊष्मा की। तो इसमें हम ये मानकर चलते हैं सबसे पहले कि कोई भी ठोस परमाणु बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इन ठोस परमाणु में परमाणुओं की संख्या हम n लेकर चलते हैं। 1 किलोग्राम ठोस परमाणु में परमाणुओं की संख्या n है, कैपिटल n। ये कैपिटल n जो है क्या है, एवोगैड्रो संख्या है, 6.02×10^26 पर किलोग्राम ठोस परमाणु को लेकर चलते हैं। ठीक है, वैसे हम दूसरी अभिकल्पना में ये मानकर चलते हैं कि जो ठोस के जो परमाणु होते हैं वो सारे परमाणु अपने माध्य स्थिति से लगातार कंपन करते रहते हैं, माध्य स्थिति की दोनों ओर। इन कंपन की आवृत्ति जो है समान होती है, लेकिन इनकी ऊर्जाएं अलग अलग होती, भिन्न होती है। क्यों? क्योंकि उनके आयाम अलग अलग होते हैं दोलन के। जैसे ये ठोस परमाणु का मैं त्रिविमीय चित्र बनाने का एक छोटा सा प्रयास किया हूँ। जैसे ये परमाणु है, इस परमाणु के साथ किसी बंध से बंधा है, इसके साथ ये सब आपस में, यहाँ पर मैंने स्प्रिंग रूप नहीं दिखाया है, सिर्फ इसको लेकर चला है मैंने। तो ये ऐसे भी दोलन कर सकता है, ऐसे भी दोलन कर सकता है और ऐसे भी दोलन कर सकता है, मतलब त्रिविमीय तरीके से इसको हमको समझना होगा। तो इनकी आवृत्तियां तो समान होती हैं लेकिन ऊर्जाएं अलग अलग होती हैं। कंपन की आवृत्तियां समान होती हैं लेकिन ऊर्जाएं अलग अलग होती हैं, क्योंकि इनका आयाम अलग अलग होता है। तीसरी बात, हम ये मानकर चलते हैं कि जो परमाणु होते हैं उनके कंपन की स्वतंत्रता की कोटि जो है वो कितनी होती है, 3 होती है। ये किसी स्वतंत्रता की कोटि मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे, पहले भी आपने पढ़ा है कि वो परमाणु कितनी अलग अलग दिशाओं में कंपन कर सकता है। तो हम त्रिविमीय है तो 3 हम मानकर चल रहे हैं। चौथा जो है, ठोस की कुल ऊर्जा या कुल आंतरिक ऊर्जा जो परमाणु दौलित्र है, मतलब एक एक परमाणु को हम परमाणु दौलित्र कह रहे हैं क्योंकि दोलन कर रहा है। तो जो ठोस की कुल आंतरिक ऊर्जा होती है परमाणु दौलित्रों के काम्पनिक ऊर्जा के योग के बराबर होता है। और यह चौथी बात, यह ऊर्जा जो है परमाणु दौलित्र की ऊर्जा शून्य से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकता है। किसी ठोस की हम कुल ऊर्जा को हम जो औसत ऊर्जा निकलता है, काम्पनिक दौलित्र ऊर्जा का जो औसत ऊर्जा निकलता है उसका हम n गुना कर देते हैं। n गुना क्यों? क्योंकि n परमाणु हम मान रहे हैं ना, प्रति 1 किलोग्राम ठोस परमाणु में हम मानकर चल रहे हैं। ठीक, अब चूंकि ऐसा ये अभिकल्पनाएं थी, इन अभिकल्पनाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि किसी भी एक परमाणु दौलित्र की जो ऊर्जा है वो त्रिविमीय तौर पर सोचें तो ये ऊर्जा कैसी हो सकती है, कुल ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। तो 3 दिशाओं में हम सोच रहे हैं, 3 घटक लेकर चलेंगे। तो ई एक्स का हो जाएगा आपका पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m, px क्या है, संवेग का x घटक है,
संवेग जो है उसका एक्स घटक है और उस परमाणु का द्रव्यमान है, और स्थिति ऊर्जा हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये स्थिति ऊर्जा है, हाफ के एक्स स्क्वायर पढ़ते हैं ना स्प्रिंग की ऊर्जा, बिल्कुल वैसी है। तो हाफ के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा जो है कोणीय आवृत्ति है। इसी प्रकार ये अब हर परमाणु की ऊर्जा, हर परमाणु दौलित्र की ऊर्जा इस आधार पर हम निकालते हैं, ऐसा हम मानकर चलते हैं। क्योंकि परमाणुओं की संख्या बहुत अधिक होती है ठोस में, तो यहाँ पर हम प्रायिकता के सिद्धांत का प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो डिलोंग पेटिट साहब ने प्रायिकता सिद्धांत, तो प्रायिकता सिद्धांत में उन्होंने आप लोग क्लासिकल इसमें बोल्ट्जमान कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ा होगा सेकेंड ईयर में, उष्मागतिकी सांख्यिकी, ओके। तो बोल्ट्जमान कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अनुसार हम लेकर चले तो किसी ताप टी पर किसी परमाणु दौलित्र की ऊर्जा ई होने की जो प्रायिकता है वह होगी क्या, प्रायिकता होगी, मान लीजिए प्रायिकता कितनी है पी आर हम लेकर चलते हैं, प्रायिकता वो होगी ए ई टू द पावर माइनस ई आर अपॉन के टी, जहां के बोल्ट्जमान कांस्टेंट है वो टेम्परेचर है, उस दौलित्र की ऊर्जा ई आर हमने लिया है, आर वहां कण मानकर चलते हैं और ये पी आर, तो ये प्रायिकता होगी। अब इस प्रायिकता के आधार पर हम कुल मतलब ये औसत ऊर्जा किसी परमाणु दौलित्र का निकालने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो अब चिर सम्मत सिद्धांत या बोल्ट्जमान कैनोनिकल थ्योरी के अनुसार, उसकी प्रायिकता थ्योरी के अनुसार किसी भी परमाणु दौलित्र के ऊर्जा किसी ताप टी पर होने की प्रायिकता अभी पी आर इज इक्वल टू ए कांस्टेंट है, ई टू द पावर माइनस ई आर अपॉन के टी, के बोल्ट्जमान कांस्टेंट है और टी नियतांक है। तो किसी प्रति स्वतंत्र कोटि, प्रति स्वतंत्र कोटि मतलब एक्स दिशा की कोटि, वाई दिशा का, जेड दिशा का, हम अलग अलग अब डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रति स्वतंत्र कोटि जो औसत ऊर्जा होगी, औसत ऊर्जा कैसे निकालेंगे, प्रायिकता गुणित एक ऊर्जा ले लेंगे, तो प्रायिकता के साथ कुल उस कुल ऊर्जा होने की प्रायिकता अपॉन कुल प्रायिकता, तो औसत ऊर्जा हमारा निकल आएगा। तो ये जो हमने लिखा है औसत, तो जीरो से इनफाइनाइट तक जो उसका एक्सटेंशन है, उसका विस्तार है, जीरो से इनफाइनाइट तक ई एक्स ये प्रायिकता हो गया, डी एक्स और डी पी एक्स, डी एक्स हम छोटे से एक्स दिशा में हम छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, वैसे ही संवेग का भी हम छोटा सा एलिमेंट डी पी एक्स लेते हैं, तब तो उसको इंटीग्रेट करते हैं जीरो से इनफिनाइट तक। तो यहां पर मैंने बनाया है एक्स कोऑर्डिनेट और ये जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है और ये मोमेंटम कोऑर्डिनेट है, उसके डी एक्स का छोटा सा एलिमेंट और डी पी एक्स का छोटा सा एलिमेंट का ये वाला पोर्शन का, इस पोर्शन की प्रायिकता ये है, इस पोर्शन की ऊर्जा, इस पोर्शन की ऊर्जा ये है ई एक्स ए ई टू द पावर माइनस सी एक्स अपॉन के टी डी एक्स डी पी एक्स। तो जीरो से इनफाइनाइट तक के एक्सटेंशन में, जीरो से इनफाइनाइट तक के एक्सटेंशन में कुल ऊर्जा इतनी होगी, तो बटा कुल प्रायिकता, बटा कुल प्रायिकता एक्स कोऑर्डिनेट में और मोमेंटम कोऑर्डिनेट में। तो ये जो औसत ऊर्जा है प्रति स्वतंत्र कोटि, इस तरीके से निकालना हम शुरू करते हैं। चूंकि ये डेरिवेशन बड़ा लंबा है तो ये पेज आप देखें, आप ड्राइव कर लेते हैं तो फिर हम आगे चलेंगे। हम प्रति स्वतंत्र कोटि परमाणु ऊर्जा की औसत, परमाणु दौलित्र की औसत ऊर्जा का कैलकुलेशन देखते हैं। अभी हमने बोर्ड में जैसे लिखा था वैसे ही कॉपी में हमने लिख कर देखा है। तो ई एक्स का वैल्यू का जीरो से इनफाइनाइट का डबल इंटीग्रेशन में ई एक्स ये ऊर्जा है और ए इंटू ई टू द पावर माइनस सी एक्स अपॉन के टी क्या है, ये प्रोबेबिलिटी है। और डी एक्स और डी पी एक्स, डी एक्स और डी पी एक्स मैंने कोऑर्डिनेट बनाया था, पोजिशन कोऑर्डिनेट और मोमेंटम कोऑर्डिनेट, इन दोनों के बीच। तो ये कुल ऊर्जा हो गई, ये वाला जो पोर्शन क्या है कुल ऊर्जा है, बटा ये क्या है नीचे वाला जो है कुल प्रायिकता है। इसमें डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, औसत ऊर्जा निकल जाएगा। ई एक्स का मान हम जानते क्या है, ई एक्स इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर अपॉन टू एम प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर।
अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ई एक्स की वैल्यू हमने रख दिया, ई एक्स की वैल्यू हमने रखा ये, उसके बाद यहाँ पर भी ई एक्स की वैल्यू रख दिया हमने ये। अब इसके बाद सबको अलग अलग, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा, उसके बाद ये भी दो पार्ट में अलग अलग होगा, ये प्लस साइन है, तो वो सारी चीज़ें हम करते जाते हैं। और नीचे में भी वैसे अलग अलग करते हैं, जैसे ये दोनों को अलग कर दिया, जीरो से इनफाइनाइट में हमने डी पी एक्स के रिस्पेक्ट वाला इंटीग्रेशन अलग कर दिया और एक्स के रिस्पेक्ट वाले को अलग कर दिया कम्बिनेशन में, वैसे ही इसमें भी हमने अलग कर दिया पी एक्स स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करके, और हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर को भी हमने इसके साथ कर दिया है। इस तरीके से जब सॉल्व करते जाते हैं, फिर बिल्कुल सबको अलग अलग, सारे वेरिएबल्स को हम अलग अलग वेरिएबल सेपरेट करके काम करते हैं इंटीग्रेशन में, तो इस तरीके से सब ये होते जाता है। आप इसको अपने कॉपी में बनाएंगे तो बन भी जाएगा, देखते जाइए सब अलग अलग होते जा रहा है। ये वाले पोर्शन पे आप देखेंगे, ये इसको हमने अलग कर दिया यहाँ, और ये वाले पोर्शन को हमने यहाँ अलग कर दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई है ये हाफ ओमेगा एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इस तरीके से। ठीक, अब ये अलग अलग होने पे देख लीजिए कोई कैंसिल आउट हो रहा है क्या, जैसे ये और ये कैंसिल आउट होंगे, दिख रहा है ना, इसमें कोई कैंसिल आउट हो रहा है क्या, तो ये और ये भी कैंसिल आउट होंगे दोनों। ठीक, तो हो क्या जाएगा, ये आ जाएगा, फिर ये आ गया। अब ये यहाँ से सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रमाणिक समाकलन का सहारा लेते हैं। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन फोर अल्फा रूट ओवर पाई अपॉन अल्फा तथा जीरो से इनफाइनाइट में, ये प्रमाणिक मान है, आपको कुछ इसको तो आप ईजाद करना पड़ेगा, या तो आप जानते हैं जब इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं कि अल्फा मतलब कितना वैल्यू रखें, कैसे मैच कर रहा है, देखो ये एक्स स्क्वायर और e टू द पावर एक्स स्क्वायर अल्फा एक्स स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर की जगह हमने एक्स स्क्वायर, तो ये उसी के फॉर्म में है, है ना। और इसमें भी देखो एक्स स्क्वायर और e टू द पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये पहला वाला जो है ऊपर की इन दोनों में लागू होगा। अब जो दूसरा वाला जो है e टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर डी एक्स, वो इसमें भी लागू होगा, इसमें भी लागू होगा। अब ये देखना है कि अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू इस वाले में क्या होगा, वन अपॉन 2mkt, अल्फा की वैल्यू यहाँ से हम देखेंगे तो 1/2mkt, और x की जगह क्या होगा px होगा, तो उन मान को यहाँ पर हम रख देते हैं सीधे सीधे सॉल्यूशन 1/4 अल्फा, अल्फा की जगह रख दिया पाई अपॉन अल्फा, और 1/2m को हमने इसमें से बाहर रखा हुआ है, ऊपर के लिए हो गया, और नीचे वाले के लिए इस फार्मूले का उपयोग होता है, और ये आ जाएगा। वैसे ही इसमें भी इस वाले को सॉल्व करते हैं तो इस तरीके से आ जाएगा, तो हाफ के टी कटने के बाद कटेगा तो बचेगा हाफ के टी, इसमें भी हाफ के टी बचेगा, तो हाफ के टी प्लस हाफ के टी कितना हो जाएगा के टी, मतलब एवरेज वैल्यू जो है प्रति स्वातंत्र कोटि परमाणु दौलित्र की औसत ऊर्जा के टी के बराबर होगा। जैसा कि अभी हमने पेपर में देखा, वो डेरिवेशन बड़ा सिंपल है, आप लोगों का इंटीग्रेशन तो ठीक ही होगा और बन जाएगा, मुझे ऐसा विश्वास है। तो उसके बाद उसमें जो आखिरी रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट जो है क्या होगा, एवरेज जो है प्रति एकांक स्वतंत्र कोटि जो औसत ऊर्जा है परमाणु दौलित्र का, वो आता है kT x कोऑर्डिनेट के लिए, x कंपोनेंट उसका। वैसे ही y के लिए ey इज इक्वल टू kT मिलेगा, वैसे ही z के लिए हमको kT मिलेगा। मतलब एक परमाणु की जो औसत ऊर्जा है ई एक्स प्लस ई वाई प्लस एजेड का औसत मान, तो एक परमाणु की जो औसत ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 3kT के बराबर हो जाएगी। तो एक परमाणु का इतना होगा, तो हमने तो कहा था अभी कल्पना में याद करो कि किसी ठोस की कुल ऊर्जा हमको निकालनी है, तो एक परमाणु की जो औसत ऊर्जा होगी, काम्पनिक ऊर्जा होगी, दौलित्र की ऊर्जा होगी, उसमें हमको एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एन क्या है, एवोगाड्रो संख्या। तो एक किलोग्राम परमाणु ठोस की औसत ऊर्जा यू बराबर एन गुना ई औसत मान, तो ये हो जाएगा एन इंटू 3kT इज इक्वल टू 3RT। और हम स्थिर आयतन पर एक परमाणुविक विशिष्ट ऊष्मा का मान जानते हैं कितना होता है, du/dt। तो इस मान को 3RT को जब यहाँ पर रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3R डिफ्रेंशिएट करने पर, तो विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना आ गया, 3R। तो यही रिजल्ट था ड्यूलॉन्ग पेटिट का, इससे ये पता चलता है
जो परमाणु के ठोसों की जो परमाणु विशिष्ट ऊष्मा होती है उसका मान नियत होता है सभी तापों पर। तापमान पर निर्भर तो कर नहीं रहा है, सभी तापों पर चूंकि ये नियत होता है तो ये उच्च तापों के लिए तो बात ठीक थी। हमने ग्राफ में देखा भी था, पिछले इसमें ग्राफ को मैं छोटा सा ऐसा बना देता हूँ ताकि रिवाइज हो जाए जिन्होंने उस वीडियो को ना देखा हो। इस तरफ सी था विशिष्ट ऊष्मा था और इस तरफ हमने तापमान को लिया था। कुछ ग्राफ ऐसे आए थे इस तरीके से, यहाँ पर हमने इस मान को यहाँ पर को 3R मान लिखा था 3R। तो ये जो साधारण सामान्य ताप पर रूम टेम्परेचर पर जो इसका मान होता सभी पदार्थों के लिए अलग अलग के, इसको मैंने सिल्वर के लिए, एल्युमिनियम के लिए और ये डायमंड के लिए हमने लिखा था इसको। आप वीडियो देखे होंगे तो ध्यान होगा आपको। तो सामान्य ये 300 से ऊपर टेम्परेचर के केल्विन में है, ये 300 केल्विन से ऊपर में लगभग 3R होता है। लेकिन निम्न ताप पर हम जानते हैं कि विशिष्ट ऊष्मा का मान ताप के साथ बदलता है, तो उस चीज़ की ये व्याख्या नहीं कर पाता। मतलब ड्यूलॉन्ग पेटिट जो लॉ है या क्लासिकल थ्योरी है स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड को एक्सप्लेन करने का, वो उच्च तापों के लिए तो ठीक है लेकिन निम्न तापों के लिए ठीक नहीं है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो सन 1905 में इसी को आइंस्टीन साहब ने एक्सप्लेन किया था, वो नेक्स्ट लेक्चर में आप देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।